नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर। ये ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ मैं केवीज़ के कैंडिडेट्स के लिए जो कि जल्द ही इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, और उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट किया है हमने। ये कोशिश की है इंफॉर्मेशन देने की उन्हें कि वो इंटरव्यू में कैसे तैयारी करके जाएँ और कैसे वो अपने आप को प्रूव करें कि वो केवी के लिए बेस्ट टीचर, केंद्रीय विद्यालय के लिए बेस्ट टीचर हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल स्कूल्स की, केंद्रीय विद्यालय की, जिसका अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है रिटर्न टेस्ट का और उसका इंटरव्यू होने वाला है। तो जिन लोगों के इंटरव्यू होने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि आपका क्लियर हो और आप एक अच्छे शिक्षक बनकर हमारे समाज की सेवा करें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी करके जानी है। आप बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से जाइए और बहुत ही टॉकेटिव वे में बातें करते हुए जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो आपका पूरा पैनल है, उससे आप इंटरेक्ट कीजिए। आँखों को आप आँखों में देखकर बात कीजिए, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, और जैसे आप कॉमनली बात करते हैं आपको उसी तरह से रहना है। कुछ बनावटी नहीं होना चाहिए। अगर आप बनावट करेंगे तो वो उनके लिए तो चुटकी का काम होता है कि वो पता लगा लेंगे कि आप कुछ जो आप रियलिटी है उसको छुपा रहे हैं, क्योंकि ये जो केवीज में इंटरव्यूज़ में या किसी भी इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होते हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट भी एक होता है। तो वो साइकोलॉजिस्ट आपके हाव भाव, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वो आपको बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही नेचुरल रहना है, रियल रहना है। तो TGT वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, SST है, सॉरी, साइंस है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपकी आप NCERT की एटलीस्ट 6th to 10th की बुक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एक्चुअली कंटेंट का टेस्ट तो हो चुका है, बट अब टेस्ट होगा आपके जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें क्या है, आपको पता है कि नहीं पता है। हो सकता है आपसे कोई पूछ ले कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है। अगर आप TGT में हैं तो आप क्योंकि 6th to 10th की क्लास को पढ़ाएंगे तो आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, क्यों है, और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बनता है। तो आप बहुत ही ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देने के बाद जो इंटरव्यूअर है वो दूसरा क्वेश्चन उसी से कनेक्ट करके पूछेगा, तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको, क्योंकि आप KVS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको KV के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। चाहे वो कोई भी इनिशिएटिव है, आप न्यूज़ में भी आप गूगल पे सर्च कीजिए केंद्रीय विद्यालय, और आप न्यूज़ में सर्च कीजिए, गूगल पे ही ऊपर न्यूज़ का ऑप्शन आता है, न्यूज़ में सर्च कीजिए अगर कुछ लेटेस्ट वहाँ पर हुआ है। जैसे अभी कुछ KVS और NVS की प्रिंसिपल्स की आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुई है फेब्रुअरी में, तो ये जो लेटेस्ट घटनाएं हैं अगर आप उनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कनेक्ट करते हैं तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ ये कि आप मोटिवेटेड हैं इस पोस्ट के लिए, वो दिखता है। तो और ज़रूर ध्यान रखिए कि KVS से के जितने भी इनिशिएटिव है, अब आजकल डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, तो KVS में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशली KVS में लागू किए गए हैं, KVS में चल रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, चाहे वो ई पाठशाला है, चाहे वो NROER है, चाहे वो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कोई भी योजना है, तो आपको उन सभी को ध्यान में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बट हाँ, KVS के जितने इनिशिएटिव है वो तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, तो आपको बिल्कुल ध्यान से वो देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो TGT या PRT PGT के जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, KVS का बैक टू बेसिक्स डॉक्यूमेंट होता है, तो बैक टू बेसिक्स डॉक्यूमेंट को आप अध्ययन करके ही जाइए, उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, ताकि क्योंकि KVS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आप
केंद्रीय विद्यालय के सारे नियमों को, सारे बैक टू बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स को और भी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ के आए हैं। कंपटीशन टफ होता है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा टीचिंग मैथडोलॉजी, कंटेंट तो आपका टेस्ट हो चुका है एक बार रिटन टेस्ट में, टीचिंग मैथडोलॉजी का टेस्ट आपसे डेमो क्लास ली जा सकती है, कोई टॉपिक दिया जा सकता है आपके सब्जेक्ट का और कहा जाएगा कि आप इसको पढ़ा के बताइए। तो आप किस तरह से उसको पढ़ाते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल से आईसीटी का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये शो कर सकते हैं कि आप एक ऐसे टीचर हो सकते हैं जो बच्चों के साथ, उनके साथ कनेक्ट होकर और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके आप अपने सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो वेब 2.0 की टेक्नोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी, वो सब आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। और कुछ ऐसे ऐप्स जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उनको डाउनलोड करके जाइए, ताकि जब आपको डेमो के लिए बोला जाए या आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसी टाइम अपने ऐप को चलाकर उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। तो वो आप कि जो इंटरव्यू को एक बहुत ही ब्लास्टिंग इफ़ेक्ट देगा, वो बहुत ही आपको आप अच्छे से अगर आपको प्रेजेंट करते हैं किसी ऐप को या टेक्नोलॉजी को ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद अपनी भाषा पर बहुत ही आपको ध्यान देना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि इम्प्रेस करने के चक्कर में आप इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में भी बोलें, पर वही मैंने जो आपको पहले भी कहा कि रियल रहना है आपको और दिखावट नहीं करनी है, बनावटी बन नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है उसको अच्छे से बताना है और अगर गलत जवाब देते हैं आप तो वो आपको एक गलत दिशा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि गलत जवाब से अगर आप कॉन्फिडेंटली गलत जवाब दे रहे हैं तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं होता है। तो आपको गलत जवाब देने से बचना है। नहीं आता है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं कि ये मुझे नहीं आता है, मुझे थोड़ा सा इस पर स्टडी करना होगा और देन आई कैन हैंडल दिस। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट का तो पता ही होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में सारी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर सब्जेक्ट में भी क्या क्या इनोवेशन, करिकुलम में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या इनोवेशंस आपके सब्जेक्ट में हो रहे हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही सिंपल हैं, लॉजिक से रिलेटेड है। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखिए और अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए और इंटरव्यूअर के सामने ऐसे प्रेजेंट होइए कि आप एक अच्छे टीचर अभी भी हैं और आप केवी के लिए एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। तो आप कैसे केवी के लिए एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इंटरव्यू देकर आइए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बस चक दे फटे तो इंटरव्यू में क्लियर करके आइए, एक अच्छे शिक्षक बनिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है हमारे देश को अच्छे शिक्षकों की। तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही, पर उसके साथ साथ आपको अपने आप को प्रूव करना है और बच्चों को एक नई दिशा देनी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और हमें बताइए कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू। और कुछ आपको हेल्प चाहिए तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ and liking our videos. Thank you. God bless you. Have a nice day. Bye bye.